नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में पंचायत चुनाव की रन बज चुकी है और लगातार जो है जो भी उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। इसी बीच हम लोग भी जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गाँव की सरकार में उनकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से वो इस बार अपने जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं। और इसी क्रम में हम उन प्रतिनिधियों के पास भी जा रहे हैं जो निवर्तमान मुखिया के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्योंकि झारखंड में पंचायत चुनाव जो है 2 साल देरी से हो रहा है, इसलिए मुखिया का जो कार्यकाल है वो 7 साल लगातार मुखिया रहे हैं। उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने 7 साल में कुछ ऐसा जनता के लिए क्या किया जो इस बार वो फिर वो मैदान में है, तो आखिर उनको जनता क्यों वोट दे। तो हमारे बीच इसी क्रम में मौजूद है हुसीर पंचायत के मुखिया विजय उरांव जी। उन्हीं से हम जानते हैं कि जो अब रणभेदी जो बच चुकी है पंचायत चुनाव की, उसमें वो किस प्रकार से अपने आप को जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आप अपना पूरा परिचय देने के साथ साथ पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विजय उरांव, हुसीर पंचायत के मुखिया हुए। और चूंकि आपसे सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा पंचायत में आ पाए, और बड़ी खुशी की बात है चूंकि 2 साल हमको और मिला अढ़ोक में। चूंकि जो काम मेरा अधूरा था उस काम को हम पूरी तरह से कर पाए, और जनता का चाहत बहुत बढ़िया रहा इस बार कि जो काम वर्षों से नहीं हुआ था उसको मेरे आने से लोगों तक पहुंचाने का काम किए, धरातल में काम दिखने को मिला, और लोगों का जो परेशानी था वो बिल्कुल दूर दूर तक परेशानी नहीं दिख रहा है, और सभी से मिल भी रहे हैं हम। और मिलने के बाद पता चल रहा है कि सचमुच जो हमने काम किया है लोगों के साथ में वो काफी जनता खुश है, और यही खुशी के साथ साथ में इस बार फिर से हमको मुखिया बनाने का पूरी वो लोग उम्मीद किए हुए हैं कि ऐसा मुखिया फिर हम लोग को चाहिए। क्योंकि लोगों को जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं हुआ 5 साल प्लस 2 साल के अंदर में, किसी प्रकार का किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। कौन सा ऐसा आपने कार्य करवाया है जिससे कि जनता बेहतर खुश है, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। काम अनेक है काम, मगर अभी 2-4 हमने बताते हैं। क्योंकि जितना भी बच्चा जो पढ़ते थे, पहला बात तो लोग का जाति आवासीय में काफी कठिनाई होता था। पहला बात तो पहले के मुखिया लोग साइन नहीं करते थे कि हम नहीं करेंगे, इसका सारा डाटा दीजिए तभी करेंगे, मगर हमको पूरे पंचायत का एक एक घर का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, प्लस उसका क्या जाति है क्या नहीं है, ये चीज हमको पूरा जानकारी था। इसीलिए कोई बच्चा का आज कहीं दिक्कत नहीं, स्कूल कॉलेज इतना तक कि जिसका सर्विस लगा उन सभी को हमने काम किया। और बात रहा योजना की, तो सब गांव में नाली रोड का बेहतरीन काम हुआ है, और एक एक घर में जाकर के सारा निरीक्षण भी किए हैं कि क्या चाहिए क्या होना चाहिए। विधवा वृद्धा पेंशन सारे लोग का बना हुआ है, और जिनका नहीं बना था इस बार उनको भी हमने कंप्लीट किया है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जिस सड़क से आए उसके जो स्थिति है थोड़ा ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि पूरा योजना का आपने मांग किए हैं, सड़क ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? बेहतर है पहले पूरा पंचायत का काम किए, और अपना घर के पास जो रोड जो अभी स्थिति देख रहे हैं उसका हम जियोटेक भी करवाए हैं, प्लस जो लाभुक समिति है उस लाभुक समिति में पेमेंट भी हमने किया है। क्योंकि इधर नहीं होने के कारण क्या था कि लेबर जो है वो लोग बाहर चले गए थे, और हमको लगता है 2 से 3 दिन में जो रोड का काम है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे। एक सवाल है कि जैसा आपको पता है कि आपका जो पंचायत है वो महिला आरक्षित हो चुकी है, लेकिन अब जब सुनने में आ रहा है कि आप अपनी जो है वाइफ को खड़ा करेंगे, तो उनका जो भी खड़ा होंगे तो जनता आपके कार्यों पर ही वोट देगी। आप ये बताइए कि आपने 7 साल में 5 प्रमुख कार्य गिनाइए जिससे जनता आपको बेहतर रूप से जनप्रतिनिधि मानी हो और आपको वोट दे। देखिए, इस बार जो है कि इतना अच्छा जो हम काम किए, तो इस बार जो हमने प्लान बनाए थे कि चूंकि इस बार महिला हो गई है तो हमने बोले कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इसलिए कि महिला, मगर जनता का चाहत जो था
कि जो आप बेहतर किए, इतना बेहतर किए, तो इसलिए आपका वाइफ को हम लोग चुनाव करेंगे और सब गांव वाला का चाहत है कि हम लोग आपका वाइफ को चुनाव करेंगे। वही लोग का कहने पर वही लोग सारा मिल करके एक नॉमिनेशन भी फाइल करवाए, जो कि गांव का माध्यम से ही हुआ, जनता का माध्यम से हुआ। चूंकि इस बार हम लड़ने का फेवर में नहीं थे, वाइफ को भी लड़ाने का उम्मीद नहीं था, मगर बोले कि जो जानकारी आपको है, जो आपका वाइफ, क्योंकि साथ में ही हम रहे और मेरा वाइफ एक एक चीज को जानती है कि क्या किए नहीं किए, तो इसीलिए जनता का चाहत है कि इस बार मुखिया में हम लोग आपका वाइफ को उठाएंगे। ग्राम सरकार जब भी बनती है तो गांव के लोगों की अपेक्षा होती है कि जो भी उनका समुचित विकास हो सके, जिसमें मुख्य रूप से जो होता है वो स्वच्छता होती है और दूसरा सबसे मुख्य बिंदु होता है नाली है, सड़क है, पेयजल है। तो वर्तमान में देखा जा रहा है कि पानी की बड़ा ही मतलब घोर समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर के आपने क्या कुछ किया इन 7 सालों में? चूंकि हुसीर पंचायत में बहुत पानी का समस्या था, मगर जब से हम चुनाव जीत के आए, पूरा पंचायत में हमको लगता है 36-37 को जल मीनार जो हमने लगाया। अभी दिक्कत तो है ही कुछ कुछ जगह में, जो नया अभी घर जो बना है, कॉलोनी बना है, एक टोला बना है, तो वहां क्या है कि इस बार हम लोग को पीएचडी विभाग चापानल का हम लोग को अनुमति नहीं दिया, अपने जो हम लोग कर पाते थे वो नहीं कर पाए। तो हम लोग क्या है कि पुराना चापानल में वहां जल मीनार लगाए और जल मीनार के साथ में हम लोग पाइपलाइन वाला बिछाने का काम किए, जल नल पाइप, और सभी का घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे और किए भी हैं, बहुत सारा काम किए इसमें। तो उसमें हमको एक प्रॉब्लम आया कि चूंकि हम लोग का 2000 से 5000 का टंकी जो लगाए हैं, तो इस बार उसमें थोड़ा सा हम जो 15 से 20 घर जो कलेक्शन दे पा रहे थे, तो इस बार मेरा सोच है कि सरकार से मांग करके बड़ा टंकी हो, जो कि हम एक टंकी से 100 आदमी को देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छा हो, जो कि लोगों का पानी का कमी ना हो। एक और सवाल है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो गांव में लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन उसकी संरक्षण की भूमिका में मुखिया जी होते हैं, क्योंकि मुखिया को ही मतलब देखना है कि आखिर पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। आपके पंचायत में कितने स्कूल है और कितना समुचित व्यवस्था है शिक्षा का? देखिए, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये पूरे झारखंड का हम बताएंगे कि जो पढ़ाई का जो सिस्टम है हमको बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगता है। इसलिए ठीक नहीं लगता है क्योंकि हम लोग अपना पंचायत में जो स्कूल है, मेरा एक नगड़ी में है, हुसीर में मेरा 3 स्कूल है, 3 स्कूल में हम लोग खुद से जाकर के एक एक बच्चा को और टीचर को हम लोग बैठ करके मीटिंग लेते हैं कि बच्चा कहाँ तक जा रही है, बच्चा किस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से हम लोग जा करके बच्चा से टेस्ट भी लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि बच्चा लोग का जो पढ़ने का इच्छा है उबरती है कि हमारे मुखिया जी सारा चीज अपने से खुद करके करते हैं। और एक चीज हमने और किए हैं, बच्चा लोग का बैठने के लिए काफी दिक्कत होता था, वो डेस्क हमने हर स्कूल में देने का काम किया, पानी का दिक्कत था वो नल मैंने लगवाने का काम किया। तो बच्चा बहुत बढ़िया है और हम खुद से जा करके करते, दूसरे का कारण नहीं हम रहते हैं कि जा करके आप लोग देख लीजिए, नहीं, खुद से हम एक एक स्कूल जा करके देखते हैं और सभी टीचर से मिलते हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। हाँ। सरकार लगातार जो है गांव में रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना चलाती है, आपके क्षेत्र में मनरेगा योजनाओं का क्या हाल है और मनरेगा योजना से अभी कितने जो है लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है, कुछ इसके बारे में संक्षिप्त से जानकारी बताइए। चूंकि मनरेगा बहुत बेहतरीन सरकार का योजना है, जो सरकार योजना चलाई है मनरेगा इतना बढ़िया है, मगर चूंकि मेरा हुसीर जो गांव है, पंचायत है, वो बहुत नजदीक है रांची से और कांके से, इस कारण चूंकि वहां मनरेगा में आपका जो पेमेंट है वो बहुत कम है, और कम का रीजन इसको भी हम लोग जनता को समझाते हैं कि आप जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, चूंकि आपको लाल कार्ड में सारा सिस्टम मिल रहा है, आपको इंदिरावास में सिस्टम मिल रहा है, तो चूंकि हम लोग जॉब कार्ड से ही दे पाते हैं, तो इतना फायदा दे रहे हैं तो 500 का चक्कर में आप इंदिरावास नहीं मिलेगा, आपको लाल कार्ड नहीं मिलेगा, जॉब कार्ड के ही माध्यम से हम लोग दे पाते हैं। वो सबसे बड़ा एक कीट है, जब तक जॉब कार्ड नहीं है तब तक हम इंदिरावास भी नहीं दे सकते, मतलब वो एक बहुत बेहतरीन चीज है। तो जनता इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसी के कारण थोड़ा सा हम लोग धरातल में जो है
मनरेगा का जो काम होती है उसमें लोगों का अभी मानसा जो बना हुआ है कि 500 रुपया हम जाकर के रंग पेंट जो करते हैं बाहर का काम करते हैं 500 मिल जाती है, मगर जो मनरेगा में करते हैं हमको 200 मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा वो लोग डगमगाते हैं और होता जरूर है काम, मगर थोड़ा सा कम होता है, जो हम लोग करने का प्रयास है वो चीज कर नहीं पा रहे। ये एक सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है वर्तमान में, क्योंकि घर लोगों का अपना एक होना बहुत बड़ी बात है। आपने प्रधानमंत्री आवास अपने क्षेत्र में कितना बनाया, कितने लोगों को लाभ देने का प्रयास किया है? क्योंकि 2011 में जो सर्वे हुए थे तो उस हिसाब से अभी तक हम 100 मकान दे चुके हैं, जो कि काफी अच्छा है, और लोगों का घर सचमुच नहीं था, अभी वो अपना मकान में रह रहे हैं और खुश भी है। और इस बार जो हम लोग का सर्वे हुआ, जो हम लोग ग्राम सभा किए के माध्यम से, इस बार हम लोग बहुत सारा घर देने का प्रयास किए हैं, जो कि काफी ग्रामीण क्षेत्र गरीब माना जाता है और है ही गरीब, और इस बार हम लोग बेहतर करेंगे। एक सवाल है कि लगातार आप अपने प्रतिनिधि हैं अपने पंचायत के, लेकिन आपके जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने क्षेत्र में ही मतलब जो योजनाओं का देने का प्रयास करते हैं, दूसरे गांव को देखते नहीं है और योजनाओं में मनमानी करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, चूंकि जो भी विपक्ष पार्टी है उसका कहना है, जो भी वो लोग बोल रहे हैं, पहला बात तो वो लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम लोग ग्राम सभा करते हैं, उसके बाद में हम लोग का एक होता है कार्यकारिणी बैठक, जो वार्ड सदस्य जो है हमारे जितना भी वार्ड है सभी लोग को बुलाते हैं, और उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि सभी ग्राम सभा से एक एक योजना निकालिए जो करने का लायक हो, जो अति आवश्यकता है, जो इसको हम लोग पहले करें। उसके बाद बैठक करता है, सभी गांव में काम बांटने का काम करते हैं, कहे कि मेरे पास एक बार में 2 करोड़ पैसा नहीं आता है, कभी 20 लाख रुपया, कभी 15 लाख रुपया जो फंड में आता है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, बांटते हैं काम को, बांटने का काम करते हैं। तो 4 रेवेन्यू गांव है मेरा, सबसे बड़ा क्षेत्र है, टाके में सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा गांव है, तो इसलिए उन लोग को लगता है कि पहले हुसीर में देखता है, पहले हम लोग बांटने का काम करते हैं, एकदम सब जगह बराबर बराबर बांटते हैं। छोटा गांव में 2 ठो काम है तो 1 ठो काम दिए, बड़ा गांव में 2 ठो काम दिए, तो ऐसा काम हम लोग करते हैं। चूंकि चुनाव का माहौल है तो उन लोग का बहुत तरह का बात होगी, और हम कोई उम्मीदवार हम उसको विपक्ष कभी नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि अगर तुमको मुखिया बनना है, चुनाव लड़ना है, आपका बेशक हक है, आप हक ले सकते हैं, एकदम चुनाव लड़िए, बेशक मेरा उसका एकदम सपोर्ट है, कभी विपक्ष पार्टी का हम शिकायत नहीं करते हैं, वो तो जनता मालिक है। देखिए, जनता तो मालिक है, जनता ही सर्वोपरि होती है पंचायत चुनाव में। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि अब जो आपके 5 साल कार्यकाल बीत गए और 2 साल आपको एक्सटेंशन मिला, कुल 7 साल, अब नेक्स्ट जो चुनाव है, जो रन बच चुकी है, मैदान में आप उतर चुके हैं, इन 7 सालों में कौन सा ऐसा कार्य है जो जनता के बीच में आप लेके जाएंगे और कहेंगे कि जनता फिर से आपको जो है सरताज दे? देखिए, जनता का बीच में कौन सा चीज लेके जाएंगे जो जनता फिर से हमको विजय बना करके भेजने का काम करेगा, वो मेरा मोहब्बत है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा काम किए है, मगर काम लोगों का किए है वो देखने की चीज है, मगर इस बार और अगले बार भी सबसे बड़ा मेरा क्या है कि मोहब्बत है। मोहब्बत के आगे सब चीज फेल रहता है, हम राजनीतिक चूंकि हम नहीं जानते हैं, मेरा मोहब्बत सबसे बड़ा चुनाव का उसको मुद्दा भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा मेरा मोहब्बत है। और काम करने का जो मेरा तरीका है वो बहुत बेहतरीन है, लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि रात में अगर किसी का परेशानी हुआ तो 12 बजे रात को उसका घर हम जाते हैं, और थाना पुलिस हो कोई तरह का भी मामला, एकदम हम बेहतर उसका घर पहुँच जाते हैं, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरा मुखिया अपडेट नहीं। हम सुबह भी 7 से 11 बजे तक अपना भवन में अपना ऑफिस खोल के हम सुबह से डेली रूटीन है, 7 साल एकदम रेगुलर हम बैठे हैं, अभी हम CCTV में भी कैद है, अगर चूंकि इधर आचार संहिता है तो हम ऑफिस। चलिए, एक लास्ट सवाल है आपसे कि आप चुनाव में फिर से उतरने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा कार्य जो छूट गया हो, जो आपको लगता हो कि इस पंचायत में आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, अगला आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, जो आप चाहेंगे कि हुसीर पंचायत जो है उसमें ये कार्य छूट गया है और अब हम जीतेंगे तो उसको पूर्ण करेंगे?
देखिए, चूंकि छूटा हुआ तो बहुत सारा ऐसे काम है जो कि जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक काम खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए काम खत्म कभी नहीं होना है, काम लगते जाना। जैसे पाइपलाइन का काम किए तो आप नाली का काम करेंगे, नाली खत्म होगा तो फिर से उसको रिपेयरिंग का काम होगा, तो अनेक तरह का काम आएगा। काम खत्म कभी होने नहीं जा रहा है, इसलिए एक कोई मेरा ऐसा मुद्दा नहीं है कि उसको काम करेंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। चलिए, ये थे उसीर पंचायत के निवर्तमान मुखिया विजय उरांव जी, जो गांव की सरकार में वो उम्मीदवारी कर रहे हैं और झारखंड में पंचायत चुनाव में कांके प्रखंड के अंतर्गत ये हुसीर पंचायत के जो है इनका उम्मीदवारी है। और देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जो अपना कार्य किया है इन 7 सालों के दौरान, इस पर जनता किस प्रकार से मुहर लगाती है और आने वाले चुनाव में जो है जनता किस प्रकार से वोट देती है, जिससे कि जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो गाँव की सरकार की यात्रा में आप सभी दर्शकों का ऑन द स्पॉट के डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आप देखते रहिए शुभेंदु पंडित रिंटू सिंह के साथ रांची।